खूब ताली बजाइएगा उनका, बजाइएगा ना। अरे खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो कि उनका स्वागत करोगे। अरे नीचे का है खड़ा, यही में खड़ा हो। अरे आगे खड़ा काहे हो, उनका स्वागत के लिए खड़ा हो। ए आगे काहे खड़ा भाई, सब खड़ा हो। और आप जानते हैं कि 2003 का याद करिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन लोगों ने पटना में एम्स के निर्माण की स्वीकृति की, काम शुरू करने के लिए। और अब पटना एम्स कितना सुंदर बन गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है तथा प्रतिदिन हजारों लोग इलाज करा रहे हैं। अब इसके अलावे केंद्र सरकार ने 2015 में एक और बिहार के लिए तय कर दिया, तो उसमें तो हम अनुरोध किए थे कि भाई पटना के बाद दूसरा जो है बिहार का दरभंगा है, तो दरभंगा को ही मान लीजिए, उसी को कर दीजिए। तो हम तो आप देख लीजिए इस पर, आप जो पहले एम्स के रूप में परिणत कर दिया गया, इस पर जब आप पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, यहां पर उपस्थित हैं, तो इन्होंने पटना आए तो उसके लिए बहुत ही तैयार भी थे, तो हमने अनुरोध किया तो इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आगे फिर रह गया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि नहीं, ठीक है, उस कॉलेज से मतलब नहीं है, अलग से ये बन जाएगा एम्स। तो आप जानते हैं उसके लिए हम लोगों ने करीब करीब दरभंगा में ही एम्स की स्थापना की स्वीकृति की है, 150 एकड़ भूमि चिन्हित कर लिया है। अब ऐसी जगह इसको हम पिछले साल देखे कि बहुत अच्छा है, हम तो अनुरोध करेंगे कि सर एक बार देख लीजिए, सब लोग देख लिए, बहुत अच्छा है और तेजी से काम हो जाएगा। तो जैसे पटना में एम्स, वैसे ही दरभंगा में एम्स बनेगा। वो जगह जो हम लोग चुने हैं दरभंगा का, एक बार जान लीजिए, पूरा दरभंगा का और विस्तार हो जाएगा, आज जैसा है उससे भी बड़ा दरभंगा बनेगा। और उसका रास्ता जो बना रहे आने जाने का, और उसके बगल में जाने का, हम लोग तो सड़क बनवाए हुए हैं, और उस सड़क का भी और चौड़ीकरण कर देंगे, तो किसी को भी आने जाने में बहुत सुविधा होगी और बहुत तेजी से वह भी बन जाएगा। तभी आए हुए हैं, आपसे अनुरोध है कि एक बार जरा देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएगा। तो इसी चीज को आदरणीय जेपी नड्डा जी यहां पधारे हुए हैं, अब बहुत खुशी की बात है आप यहां इस कार्यक्रम में आए हैं, और कुछ जगह और भी बिहार में घूमने वाले हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और मुझे आशा है कि जल्द ही दरभंगा एम्स का निर्माण तो शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी बन जाएगा। यह है तो जरा एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको देख लीजिए। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यहां पधारे हैं, और इनसे हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, आप आ गए हैं बड़ी खुशी की बात है। हम अनुरोध करेंगे कि जन्म आपका यही हुआ है सर, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो कभी जरूर आते रहिएगा बिहार में, जरूर आते रहिएगा, बीच बीच में आकर के जब इच्छा करे आप आ जाइए, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। और आप सब लोग जानना, भूलना मत, नया नया आदमी हो, ये जो है आदरणीय जेपी नड्डा जी, इनका भी जन्म यही हुआ है, इनके पिताजी यही थे, इसीलिए अभी आ गए। अब सोचिए देश भर के पार्टी के वो नेता हैं और मंत्री भी हैं, सब तरह से सब कुछ देख लीजिए, तब बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे बिहार में जन्मे हुए इतना अच्छा और इतना बढ़िया से ही काम करते हैं कि हम लोग खुशी है। आई आए हैं आज, और जब पता चला कि आने वाले हैं तो हमको बड़ी खुशी हुई। हम दिल्ली जाते हैं तो इनसे मिलवे करते हैं, हम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पधारे हैं, तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि जरूर यदा कदा आप आते रहिएगा। तो उनका मैं अभिनंदन करता हूं, और यहां सभी माननीय मंत्रीगण, यहां सभी अतिथि
अधिकारियों, डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग जो यहां पर पधारे हैं, अब जो नड्डा साहब पूरी बात करेंगे, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप सबको मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बात को खूब बढ़िया से कीजिएगा और खूब ताली बजाइएगा, उनका बजाइएगा ना। अरे खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो कि उनका स्वागत करोगे। अरे नीचे का है खड़ा है, ये अभी में खड़ा हो। अरे आगे खड़ा काहे हो, उनका स्वागत के लिए खड़ा हो। ए आगे काहे खड़ा भाई, सब खड़ा, सब इनका स्वागत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।